सामान्य आदमी चाहे याद हो जाए, ध्यान में रहना चाहिए। बोलिए बिहार का, बिहार का क्षेत्रफल चौरानवे हजार एक सौ कितना जिला नेपाल का लगा था? नेपाल में सात जिला। पहला जिला पश्चिम चंपारण। अभी नहीं बोलेगा, ठीक है। हाँ बोलिए राकेश जी, भरना इसमें भर दीजिएगा तो हम जान जाएंगे आपका ये बिहार कंप्लीट है। ये बिहार का नक्शा है। पहला जिला पश्चिम चंपारण, पश्चिमी चंपारण। कौन जिला? पश्चिमी चंपारण। दूसरा जिला सीतामढ़ी। उसके बाद मधेपुरा। अरे मधेपुरा, मधुबनी। उसके बाद अरवल, अररिया, किशनगंज। फिर से बोलिए, पहला पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, इधर बोलिए आप। तीनों जिला किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब बोलिए ये वाला हो गया कैमूर। हाँ कैमूर। उसके बाद सासाराम। सासाराम उसके बाद हो गया गया। गया औरंगाबाद। औरंगाबाद उसके बाद गया। गया नवादा। नवादा उसके बाद हो गया जमुई। बीच में कौन नदी? ये है गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी। ये कौन सा क्षेत्र है? ये हो गया पटना। ये कौन जिला? ये हो गया शिवहर। शिवहर। ये कौन जिला? शेखपुरा। ये कौन जिला? ये हो गया लखीसराय। याद हो गया ना। चलिए बताइएगा पटना परमंडल बोलिए, इधर वाला परमंडल। पटना परमंडल। पटना। उसके बाद हो गया मगध। मगध। मुंगेर। भागलपुर। पूर्णिया। कोसी। उसके बाद दरभंगा। उसके बाद तिरहुत। उसके बाद सारण। क्लियर है ना? आप बोलिए राकेश जी, सारण जिला, सारण परमंडल कितना जिला? सारण परमंडल कितना जिला? तीन जिला। कौन कौन? सारण में है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी, सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज। रहना तीन जिला किसमें है? सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज। बांका, भागलपुर किसमें? तीन जिला किसमें? ये आपका कोसी परमंडल। कौन परमंडल? कोसी परमंडल। बिहार का पंचायत बोलिए। पंचायत की संख्या 8300। सबसे गर्म जिला, सबसे ठंडा जिला, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा शिवहर। जनसंख्या में है, सॉरी क्षेत्रफल में है, जनसंख्या सबसे बड़ा, सबसे छोटा। कितना अनुमंडल? बलो। बिहार का क्षेत्रफल 94,100। उत्तर से दक्षिण का लंबाई? उत्तर से दक्षिण 483। इधर से लंबाई 345। 300। भारत का उत्तर दक्षिण का लंबाई? इधर से तो बताएंगे बिहार का सबसे उत्तरी जिला? उत्तरी जिला है वेस्ट चंपारण। दक्षिणी जिला? दक्षिणी है गया। पूर्वी जिला? पूर्व में किशनगंज। पूर्व इधर है ना, पूर्वी जिला। पश्चिमी जिला? लगभग आपका 30-40% बिहार का ज्योग्राफी खत्म हो गया। फिर अगले संडे को हम बिहार ज्योग्राफी करवा देंगे। संडे चलेगा बिहार ज्योग्राफी। तीन संडे आएगा ना, 3-4 संडे बिहार ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। हम लोग कहाँ थे? चलिए आगे जो बायोलॉजी में, बायोलॉजी हम लोग कहाँ थे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये क्या हमारा कोशिका? सब कोशिका को पूरी तरह कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का खोज, न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रॉबर्ट ब्राउन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज,
सेंट्रोसोम का खोज ऑप्शन देते हैं रॉबर्ट हुक स्लाइडन एवं स्वान बोबरी या डी डूबे ऑटोमेटिक आ जाएगा ठीक है करते रहेगा तो जैसे है ना आपका डेट बड़ा याद हो गया ना उसी आते रहेगा कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आज डी आपका जो है ना सेल खत्म कर दीजिए कल से चलेगा हुमायूं आपका डीजे मानो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया अल्टमैन ने किया कब किया था 1860 में इसमें कौन सा चक्र चलता है क्रेब्स चक्र कौन चक्र क्रेब्स चक्र और क्रेब्स चक्र चलने के बाद क्या निर्माण होता है एटीपी और एटीपी से क्या मिलता है ऊर्जा सेंट्रोसोम का खोज किसने किया बोबरी कौन किया बोबरी पूछता है पादप कोशिका में सबसे बड़ा लवक हिंदी में प्लासिड को हिंदी में कहते हैं इसमें कितना प्रकार का तीन प्रकार क्रोमोसोम कहते हैं बोलिए पीछे बोलिए क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट पहला है क्लोरोप्लास्ट फिर ल्यूकोप्लास्ट फिर क्रोमोप्लास्ट एक भोजन बनाता है एक क्लोरोफिल होता है एक आपका पूरी तरह से रंग देने का काम करता है प्लास्टिड का खोज किया था हैकेल लेकर फिर से आपका यहाँ पर होगा आपका क्रोमोप्लास्ट क्या क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट उसके बाद आपका आएगा ल्यूकोप्लास्ट आएगा ल्यूकोप्लास्ट 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 उसके बाद आपका क्रोमो हो गया क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट ये पहले होगा हाँ पहले क्लोरोप्लास्ट होगा हरा रंग किसमें है मैग्नीशियम में क्या क्लोरो इसे पाया जाता है क्लोरो क्या होता है चलिए इसके बाद हम बताए थे लाइसोसोम का खोज जल अपघटक एंजाइम हाँ डी डूबे किया क्या क्या लाइसोसोम का खोज डी डूबे किया था चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन कराए थे आपका उसका बताए थे क्या माइटोकॉन्ड्रिया उसके बाद ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक इसमें आया था राइबोसोम राइबोसोम का खोज क्या रखेगा पहला डे इसके बाद बताइए और कुछ बताता है इसमें ये वाला क्या पार्ट कहलाता है झिल्ली ये वाला पार्ट बता दे ये तो पूरा झिल्ली ना ये वाला ये होता है सिलिया और फ्लैजेला कोशिका को गति प्रदान करने का काम सिलिया और फ्लैजेला जब न्यूक्लियस को जूम कर देखा गया तो क्या मिला क्रोमोसोम क्या मिला क्रोमोसोम क्रोमोसोम का खोज किसने किया था रॉबर्ट हुक किया था रॉबर्ट हुक किया था रॉबर्ट ब्राउन को क्या था केंद्रक का इसका खोज केंद्रक का इसको जब जूम करके देखा गया तो क्या मिला क्रोमोसोम क्या मिला क्रोमोसोम क्रोमोसोम का खोज क्या था वाल्डेयर इसने क्या था क्रोमोसोम का खोज वाल्डेयर इसको और जूम करके देखा गया क्या मिला क्या मिला डीएनए क्या मिला इसके बाद मिला डीएनए डीएनए यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जबकि पूछेगा आपका यूकैरियोटिक किसमें आएगा आरएनए किसमें डीएनए सबसे पहले किसने देखा था डीएनए को सबसे पहले देखा था कार्लसबर्ग ने कौन देखा था कार्लसबर्ग जबकि खोज किया था ये मतलब द्वीप कुंडली है ये देखा था कौन ये देखा था वाटसन एवं क्रिक वाटसन एवं क्रिक ये लिख लिए थे इसको और जब जूम करके देखा गया तो क्या मिला जीन मिला क्या मिला जीन मिला और इसी को कहते हैं आपका क्या जीन क्या बोलते हैं जीन अब पूछेगा जीन के जनक किसे कहते हैं जीन को खोजा था जोहानसन जीन को खोजा था जोहानसन लेकिन पूछेगा जीन के जनक किसे कहते हैं जीन के जनक रखेगा मेंडल क्या है मेंडली फलक है मेंडल अलग है जीन के जनक किसे कहते हैं ये मिलेगा आपको बता क्वेश्चन कराएंगे जीन के जनक जीन को हिंदी में क्या कहते हैं जीन को हिंदी में अनुवांशिकता ठीक है जेनेटिक्स जीन के जनक जीन को प्रयोगशाला में किसने प्रयोग किया था जीन को प्रयोगशाला में किसने नहीं जोहान्सबर्ग तो कहाँ हाँ और एक मतलब पूरी तरह से पूछा गया ना ये वाला एक आता है हरगोविंद खुराना दोनों का नाम आता है हाँ हरगोविंद खुराना क्वेश्चन आता है कि जीन को पूरी तरह से प्रयोगशाला में प्रयोग किसने किया था हरगोविंद खुराना मेंडल का नाम जोहानसन का नाम हरगोविंद खुराना का नाम
ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आपका किससे, जो कि हमारा जीन वाला। अब इससे क्वेश्चन एक भी छोटा नहीं चाहिए, खासकर जीन क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, और क्रोमोसोम क्या है। प्रयोग किया था। हाँ, मतलब प्रयोगशाला में। ये क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में कितना क्रोमोसोम, 23 जोड़ा, संख्या बोलेगा तो। और ये पता होगा ना, मेल में एक्स होता है कि एक्स बाय दोनों होता है, एक्स बाय दोनों, यार कंफ्यूजन इसमें नहीं ना है, एक्स बाय, मेल में क्या होता है, एक्स बाय, एक्स बाय, बाय, और फीमेल में एक्स एक्स। आपसे पूछेगा कि एक होता है ऑटोसोम और एक होता है ऑलोसोम, नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं, नहीं सुने, आप ऑटोसोम बोलिए। हाँ, हिंदी है ये ऑटोसोम। देखिए, पूछेगा शरीर का निर्माण करने का काम कौन करता है, ऑटोसोम, लेकिन लिंग का निर्धारण ऑटोसोम, लड़का होगा कि लड़की होगी ये बताता है, हाँ, और ये बताता है पूरा तरह शरीर का निर्माण। देखते हैं शरीर में आपका कि एक ही दो ही आँख होना चाहिए, ये कौन बताता है जानकारी, इसमें कौन बताएगा, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, रोबोट, डीएनए, सबसे छोटी कहाँ आ गए, इससे बड़ा है जीन का अनुवांशिकता, जीन नहीं रहे। अच्छा, देखिए आपका कहना है सर ये होगा ये नहीं होगा, आप ही का क्वेश्चन रहेगा, इसी को तरह क्वेश्चन लेके आप फंसेगा, ठीक है, लेकिन जब यहाँ नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन अब कीजिए, किसका किसका क्वेश्चन कीजिएगा, पूरा डीएनए केंद्रक और क्या इसका, जीन का, क्रोमोसोम का, इसमें ज़्यादा नहीं 15 क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं 15 में एक भी गलती नहीं जाना चाहिए, आप प्रयास कीजिएगा बनाने का, बोलने से नहीं होगा, ठीक है, बोलने से नहीं होगा, आप लोग पहले बनाइए कि पहले बोलिएगा, बनाइएगा, बनाने से क्या होगा, पूरी तरह आपका क्लियर हो जाएगा। देखो टॉपिक का नाम है सेल, टॉपिक खत्म हो गया, आप इसके ऊपर, ये तो ये पादप अनुवांशिकता है, ये अलग है, ये प्लांट में अलग प्रश्न, ठीक है, ये इसमें वो तो अलग चीज़ है। हाँ, ये कोशिका है, कोशिका क्वेश्चन लगभग करा दिए थे। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी, इसे कहते हैं इकोलॉजी। इसके बाद आपका आएगा प्रदूषण, प्रदूषण के बाद आता है आपका जंतु विज्ञान की शाखाएं, इसमें पढ़ना इसे पर्वत के अध्ययन कोरोलॉजी, मकड़ी के अध्ययन एरनियोलॉजी, पर्वत के अध्ययन जितना भी अध्ययन हमको पढ़ना, देखिए ये वाला है, इसको क्वेश्चन ध्यान से लिएगा, इसमें कितना क्वेश्चन दिया, इसमें क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, तो जो जो खासकर मेन अध्ययन है वो आप लोग कर लीजिएगा कम से कम। इसमें आपका चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, सही है, क्या हो गया, पहला कंधर मेंडल, ठीक है, सबका, अब दूसरा नहीं बोलिएगा, आपसे दूसरा कोई बोलेगा, पहला का आंसर क्या हो गया, सी, अब दूसरा आप कुछ रट लीजिएगा आंसर, उसके बाद में आंसर चेंज कर देंगे, ठीक है, पता है, ठीक है, अब क्वेश्चन चेंज करेंगे। हाँ, क्वेश्चन आरआरबी का पूछा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का है, डीएनए को डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, डबल डीएनए का डबल हेलिक्स किसने दिया था, ऑप्शन दीजिए, ल्यूवेन हॉक होगा, साल्क होगा, वाटसन एवं क्रिक, 11 का सी आंसर होगा, 11 का सी होगा। तो क्वेश्चन आपका रहेगा, अब देखिए, अब बनाइएगा आप लोग, बनाइएगा कि अति कीजिएगा, बोलिए, नहीं बढ़ाइए, हाँ बढ़ाइए ना, अंतिम में बना दे, प्रमोशन के बाद इसको हिंदी में दीजिएगा, हिंदी में गुणसूत्र, क्या बढ़ा गया, डीएनए का पूरा बता दीजिए नाम, देखा कैसे था, फॉल्स बाय, डाइन्यूक्लिक एसिड, डाइन्यूक्लिक एसिड, हां इसका नाम क्या, ऑलमोस्ट एक था आंसर, हां कॉज फॉर कोच या ड्यूकिंडलिया संरचना बताया, कौन वाटसन एवं क्रिक,
डीएनए बाद क्या आएगा? द्वि कुंडलीय संरचना देखा था ये जीन अनुवांशिक का कुछ जो फादर ऑफ जेनेटिक्स इसका प्रयोग किया था जीन को प्रयोगशाला में जीन को प्रयोगशाला भारत का ना था भारत का था पाकिस्तान में जन्म हुआ था हाँ गोविंद वैज्ञानिक का नाम याद रखेगा बायोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है इसके अलावा कोशिका कोशिका खोज दूसरा कोशिका सिद्धांत जीवित यह था आपका कोशिका मृत कोशिका जीवित कोशिका इसका था लिविंग हॉब लिविंग हॉब डेट किसी का नहीं पूछेगा कि कब खोजा गया सब 18वीं शताब्दी में 17वीं 18वीं शताब्दी में सब खोजा गया और मैट्रोकोडिया के बाद लाइसोसोम प्लास्टिड सब वैज्ञानिक का नाम रट जाना है हाइकले मैट्रोकोडिया के लाइसोसोम सेंट्रोसोम वैज्ञानिक का नाम इसके अलावा है मलेरिया का टीका रोनाल्डोस एडवर्ड जेनर चेचक का टीका एडवर्ड जेनर फिर आपको आएगा टीबी बहुत सच जाप इतना वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा डायरेक्ट थोर पर अच्छा ठीक याद हो जाएगा ठीक समझ लिया याद हो जाएगा समझ लिया इसमें कौन वैज्ञानिक को दिक्कत है कि समझ लिया जीन वाला क्लियर है हाँ देखिए सबसे पहले पूछेगा क्या कोशिका का खोज किसने किया रॉबर्ट ये क्लियर है कोशिका के बाद आया था कोशिका सिद्धांत किसने दिया स्लाइडन एवं सिद्धांत में क्या था कि सारे हमारा जो शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना है जिसे था ना इसका कोशिका क्या होगा मकान का ईंट ये बोले थे गिट्टी क्वेश्चन था गिट्टी से था ईंट से क्वेश्चन क्या पूछता है तो आपका कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं कोशिका का खोज
जीवित था कि मरा था? मरा हुआ खोजा, लेकिन जीवित कोशिका खोज, जीवित कोशिका खोज लिवन हॉक ने किया था, और बैक्टीरिया का खोज भी लिवन हॉक का। बैक्टीरिया का नाम सुनते हैं जीवाणु, एक आता है बैक्टीरिया हो गया जीवाणु, और वायरस हो गया विषाणु। वायरस का पूछेगा खोज इवान बेस्की, हम क्या था इवान बेस्की, एक है जीवाणु एक है विषाणु, एक है जीवाणु और एक है विषाणु। पूछेगा जीवाणु का खोज इवान बेस्की, इवान अरे विषाणु, हाँ विषाणु का, जीवाणु का वायरस का खोज इवान बेस्की, जीवाणु का खोज लिवन हो। तो जीवित कोशिका खोज लिवन हो, कोशिका खोज जीवित कोशिका, कोशिका सिद्धांत। यहाँ तक हम लोग रुक जाते, उसमें तीन वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, स्लाइडर एवं स्वान और लिवन। इसके बाद सारा फिगर से क्वेश्चन, इससे माइटोकॉन्ड्रिया का खोज और क्रेब्स विद्वान था, इसी के नाम पर रखा क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र का खोज किया वही क्रेब्स विद्वान। और इसमें देखा कि 38 एटीपी बराबर क्या होता है, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसी में आगे आपका सेंट्रोसोम, क्या सेंट्रोसोम का खोज बोबरी, सेंट्रोसोम का खोज बेबरी बोबरी। इसके बाद आता है आपको राइबोसोम, राइबोसोम का खोज पाइलाट। इसके बाद आता है आपका प्लास्टिड, प्लास्टिड का खोज हैकिले। सबसे बड़ी कोशिका दुनिया में, सबसे छोटी कोशिका दुनिया में माइकोप्लाज्मा, मनुष्य में सबसे छोटी स्पर्म, मनुष्य में सबसे बड़ी नहीं वो तो लंबी ओवरी, ओवरी ओवरी क्या है ओवरी, नहीं ओवरी अलग है, देखिए ओवरी अलग है। देखिए महिलाओं में जो होता है ना ये इस प्रकार का होता है ओवरी, क्या होता है इस प्रकार का, ठीक है। यहाँ पर होता है वेजेना, इसे कहते हैं योनि मार्ग, आगे बताएंगे। ये होता है आपका फिलोपियन ट्यूब, क्या होता है फिलोपियन ट्यूब को काट दीजिए तो क्या अलग है, इसको ट्यूब में देखिए महिला होता है नलबंदी की नसबंदी, अरे भाई महिला में नसबंदी, महिला होता है नलबंदी, हाँ नलबंदी ठीक है, हाँ पुरुष में नसबंदी। तो फिलोपियन ट्यूब को क्या कर दीजिए, काट दीजिए, बंद कर दीजिए, उसे कहते हैं पूछेगा पुरुष महिला के नसबंदी को क्या कहते हैं ट्यूबेकोटमी, ट्यूब को काट दिया, ये ट्यूब होता है फिलोपियन ट्यूब। ये होता है ना आप लोग मिले, आगे मिलेगा आपको फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म क्या, जब स्पर्म और आपका क्या ओवम, स्पर्म ओवम बनाता है ओवरी, और ये बनाता है आपका टेस्टिस। पूछेगा कि स्पर्म कौन बनाता है, टेस्टिस। मनुष्य में कितने टेस्टिस, टेस्टिस की संख्या दो, अरे तेईस दो, मनुष्य में टेस्टिस दो होता है, क्या होता है तो बताएंगे, टेस्टिस का हिंदी होता है ब्रिसम, क्या होता है मनुष्य में कितना टेस्टिस, देखिए ये हमारा जब पढ़िएगा ना आपको, मनुष्य का आया क्या महिला का ओभम, महिला का ओभम कौन बनाता है, ओभम कौन बनाता है, ओभम बनाता है ओवरी, ओवरी ओवरी, हाँ ओवरी है, उसके बाद ओभम, ओवरी की संख्या दो, दो पक्षियों में एक ओवरी, क्या रखे पूछेगा पक्षी में कितना ओवरी, एक। तो बायोलॉजी जब पढ़िएगा ना तो आधा डॉक्टर बन जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ओवरी ओवरी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, हाँ ओवरी, हाँ ओवरी, अच्छा यूट्रस अलग होता है, अगर आ गया ठीक हो ओवरी आ गया, कितना तो खैर कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर तो खैर बना दे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये वाला देखिए होता है ना, ये होता है महिला का पार्ट है, और एक आपका होता है देखिए ये वाला जो होता है ना पार्ट, पूछेगा देखिए बच्चा पूरी तरह से विकसित कहाँ होता है, ये है यूट्रस, क्या है पूछेगा महिला में यूट्रस की संख्या कितना होता है, एक होता है, अरे यूट्रस एक होगा, यूट्रस को हिंदी में कहते हैं गर्भाशय, क्या बोलते हैं, बच्चा पूरी तरह से निर्माण कहाँ होता है यूट्रस, और ये आपका है वेजाइना, क्या है वेजाइना, ये आपका सर्विक्स, जब बच्चा होता है ना तो सर्विक्स थोड़ा सा चौड़ा होता है तो बच्चा आराम से निकलता है, तो ये देखिए ये आपका हो गया पूरी तरह से ओवरी, और ये आपका है क्या फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, हाँ सुना है फर्टिलाइजेशन, जब जब पुरुष का स्पर्म, पुरुष का स्पर्म और महिला का ओवम दोनों जब मिलता है तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन, क्या होता है फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन इंग्लिश शब्द है, हिंदी शब्द होता है निषेचन। कई बार क्वेश्चन आया जी बीपीएससी यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि निषेचन की क्रिया संपन्न कहाँ होती है, और ये निषेचन क्रिया संपन्न होती है फिलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन आता है कि अगर आपको नहीं पढ़ रही है दिक्कत होगा कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है ओवरी में, ओभम में, फिलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में। फिलोपियन ट्यूब लड़का मार देगा, यूट्रस महिला में कितना यूट्रस, यूट्रस की संख्या, यूट्रस का हिंदी बच्चा पूरी तरह से निर्माण कहाँ होता है, यूट्रस। यूट्रस हिंदी हो गया गर्भाशय, हिंदी निषेचन। फर्टिलाइजेशन का हिंदी वर्ड निषेचन, और इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना तो इसके बाद हमारा आता है जायगोट। क्या होता है जायगोट, इसे कहते हैं युग्मनज। क्या होता है युग्मनज, इसके बाद होता है एम्ब्रॉय। क्या होता है एम्ब्रॉय, मतलब समझते हैं जिसे कहते हैं भ्रूण। क्या होते हैं एम्ब्रॉय के बाद होता है बच्चा 9 महीना का। ठीक है, सबसे पहली प्रतिक्रिया फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जायगोट, उसके बाद आता है। देखिए आप दिखाएंगे, आपको जब पढ़िएगा ना आपको एम्ब्रॉय, फेटस, आपका निषेचन की क्रिया, उसके बाद क्या हो गया, सबसे पहले क्या हो गया जायगोट। आवाज बहुत ज़्यादा हो गया ना, बायोलॉजी पढ़ना तो सबसे आसान लगा, बायोलॉजी सबसे आसान टॉपिक है। तो देखिएगा ना जायगोट क्या था, एम्ब्रॉय सबका जो ना, सबसे छोटा रूप क्या है, सबसे बड़ा रूप। देखिए सबसे छोटा रूप जो होता है ना, देखिए सबसे छोटा रूप क्या हो गया जायगोट, ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फेटस एम्ब्रॉय का एडवांस रूप होता है, एम्ब्रॉय का। उसके बाद हमारा ये कभी कभी देगा आपको कि जब निषेचन की क्रिया संपन्न के बाद उसका निर्माण होता है जायगोट का हिंदी पूछता है युग्मक की युग्मनज, युग्मक अलग है युग्मनज अलग है। एम्ब्रॉय का हिंदी होता है भ्रूण। देखते हैं कि आपका किसी वगैरह का, महिला वगैरह का बोलता है कि आपका बच्चा का टेस्ट नहीं करा सकते, तो एम्ब्रॉय जब तक बच्चा पेट में है तो क्या कहलाता है एम्ब्रॉय, बच्चा बाहर निकल गया तो बच्चा होगा। ठीक है, तो पहला जायगोट, दूसरा इसके बाद फेटस, इसके बाद सबसे ये देखिए ये सारा कुछ यहाँ तक सब पेट में होता है, सारा सबसे अंतिम ये होता है हॉस्पिटल में, डिलीवरी क्या होता है। ये आपका जायगोट का डेवलपमेंट है, जायगोट सब ये सबसे लास्ट पार्ट पढ़ाएंगे आपको, कौन सा पार्ट, हाँ क्या कौन सा है सबसे लास्ट में, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ कई बार क्वेश्चन इससे आता है, इसे इसे पढ़िए गाना आपको दिखा रहे हैं आपका कौन सा पूजी का नाम, तो इसका है रिप्रोडक्टिव, हाँ रिप्रोडक्टिव। इंटर के लिए, अब इसके लिए कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है। ह्यूमन जैसे ही ह्यूमन डिजीज खत्म होगा ना तो सारा हम लोग सिस्टम में आएंगे। जियोग्राफी है आपका फ्लावर का गुलाम हिस्ट्री में, देखिएगा इसमें मिलेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा हुआ, आर से यन पूर्व छेड़ छाड़ी कर दे रहा पूरा छाने मत पूरा कर रहा रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके ऊपर, हाँ देखिए दोनों चीज़, हाँ दोनों चीज़ है इसमें। जितना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन एक जगह हो जाए, कंकाल तंत्र का क्वेश्चन है पूरी तरह से आपका एक जगह क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन क्या है एक जगह। यहाँ ये पूछा करना कि खाना वगैरह को बच्चा को खाना किससे जाता है, बच्चा को खाना किससे जाता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को हिंदी में क्या कहते हैं बोलिए, प्लेसेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा को हिंदी में कहते हैं गर्भनाल। क्या बोलते हैं गर्भनाल, पूरी तरह से खाना वगैरह किसी में लगता है प्लेसेंटा, कोई ना ठीक है सही बोल रहे हैं इसमें बोली तो सब बिल्कुल सही लगा हुआ इसी में था है
है ना आउटबोर्ड में दिक्कत होता है, किसी ने था बोलो से प्रोडक्टिव सिस्टम है किसी का पीपीटी उठाते हैं, पीपीटी है देखिए कई बार क्वेश्चन भी आता है समानता निषेचन कहाँ होता है फिलोपियन ट्यूब का होता है हिंदी डिम्ब वाहिनी में, देखिए फिलोपियन ट्यूब आसान करना है कि डिम्ब वाहिनी नहीं याद करना आसान है, तो बायोलॉजी में ज्यादा शब्द इंग्लिश में होता है जैसे डायलिसिस नाम सुने ना, डायलिसिस को हिंदी में क्या कहते हैं अपोहन, अपोहन कहीं मिलेगा लेकिन डायलिसिस मतलब ज्यादातर समानता यूज होने में आसान सर। ठीक है हाँ देखिए हम क्या बोले कि आपका अंग्रेजी पे कहते हो क्या, देखिए जब आईएएस का क्वेश्चन है जब हाँ देखिए समझिए पहले क्वेश्चन तो दमदार रहेगा, जब भ्रूण का हृदय कब स्पंदन होता है अभी बताया है, देखिए समझ लीजिएगा आपका ये इसका आंसर ये होगा, हाँ पहले समझ लीजिएगा पहले होता क्यों है, देखिए जब हमारा देखिए सारा क्वेश्चन देख रहे किसे पूछा हुआ है निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, बीपीएस का क्वेश्चन है अंडवाहिनी, हाँ बीस का आंसर कितना नंबर बी होगा, देखिए इसमें क्वेश्चन जितना भी है ना देखिए यही आपका है, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन है आपका जायगोट है, उसके बाद इम्ब्रॉल, उसके बाद सब आपको पढ़ना है, सारा से क्वेश्चन बनता है सारा, तो क्या होता है ये महिला का है जिसमें महिला में तीन वो हार्मोन होता है, ये देखिए ये दोनों का ये पुरुष वाला ये आपका महिला का, यूट्रस कहाँ होता है आपको ना देखिए ये आपको जब पढ़िएगा ना तो आपका पहला बड़ा इंपॉर्टेंट ये देख रहे हैं बाहिन का क्वेश्चन बीपीएससी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन तो देखें बी बी आई है एकदम रट लीजिएगा कि इसका क्रिया कहाँ संपन्न होती है एकदम डिम्बवाहिनी नली या अंडवाहिनी नली, ठीक है इसका हिंदी होता है इसका इंग्लिश होता है फलोपियन ट्यूब, वहाँ के बाद जाता होगा ना यूट्रस में उसके बाद जाता है, हाँ उसके बाद जायगोट के बनने के बाद पूरी तरह से डेवलप जब होता है ना, कारण है जो टेस्ट ट्यूब की भी बोला है, हाँ मिलेगा मिलेगा सब आपका जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, हाँ वो हम आपका डाउट हम समझ रहे हैं, हाँ वो आपका कुछ कुछ पढ़ा रहे तो आप बाकी क्लियर आपके यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी देख रहे हैं आपका सारा क्वेश्चन अगर देख रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेश्चन भी रखा हुआ सारा पूरा पुरुष के नसबंदी को पुरुष के नसबंदी हम महिला का नसबंदी दुनिया में पहली प्रखंडली शिशु का नाम इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी क्या है किसी का भ्रूण का लिंग का पता लगाना क्या कहलाता है, जैसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं सब पुरुष स्त्रियों के नसबंदी को उम्मीद है कि दो दिन में क्लास लेते हैं लेकिन एक दिन में करेंगे दो सिस्टम, हाँ वही ना ऑपरेशन होता है बच्चा का ऑपरेशन क्या होता है वही ना होता है नली को, हाँ अब देखिए क्या कभी कभी गौर करते होंगे कि अब वैस्कोटमी क्या कर दिया ट्यूबे ये क्या ट्यूबेकोटमी को काट दिया नस में नस बांध देता है उसमें अब वहाँ से जो क्या बनेगा ओवम जो बनेगा उधर से स्पर्म भी आएगा तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा क्योंकि पूरी तरह से नल को क्या कर दिया बंद कहाँ से होगा वो भी नहीं कराएगा, और कभी कभी ना किसी किसी महिला का ओवम भी बांध दिया और यूट्रस ही खराब हो गया से ओवम में क्या हो गया ब्लड कैंसर हो गया तो नहीं था यहाँ पर ओवम कैंसर तो क्या होगा, तो वो महिला कभी भी अब महिलाएं माँ नहीं बन सकती वो आगे सब बताएंगे आपको, तो ये हमारा जो किसका पार्ट अब डालिए डी ह्यूमन डिजीज मानव रोग, ह्यूमन डिजीज मानव रोग किसका